इसमें नमाज भी शामिल है, वाजिबात भी शामिल है, मुस्तहबात भी शामिल हैं, और बहुत से वो मुबाहात शामिल हैं कि जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं और बकसदे कुर्बत किए जा सकते हैं। अमल साले एक आम तरकीब है, यानी इसका मफहूम बहुत आम है। तरकीब आम नहीं है, तरकीब तो बहुत खास है, कुरानी तरकीब है। मफहूम बहुत आम, हमगीर और शामिल है। अमल साले हर वो अमल है जो वाजिब हो या मुस्तहब हो या मसनून हो या मुबाह हो, लेकिन ऐसा मुबाह हो कि जो जिंदगी के लिए जरूरी हो और कुर्बत खुदा की खातिर से भी किया जा सके, और जो इंसान के लिए जिंदगी में, जिंदगी दुनिया और जिंदगी बरज़ख़ और जिंदगी आखिरत के लिए नफा बख्श हो और बखातिर खुदा किया जाए, बनियत कुर्बत किया जाए, वो सब अमल सालेह में शामिल है। नमाज भी शामिल है, तरबियत औलाद भी शामिल है, शौहर की खिदमत गुजारी भी शामिल है, बीवी का की दिलजोई भी शामिल है, सब अमल सालेह है, बशर्ते के अम्र इलाही समझ के किया जाए। और कोई सवाल है?